चले, अगर अपन बात करें एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में, अगर अपन गुडविल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस देखें तो सर कैसे चलेंगे और सिस्टमेटिक क्या होगा, तो उन चीजों पे वर्क करते हैं। तो अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से, जहां पे आपको गिवन है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:5, मीन्स 2/7 एंड 5/7, 5/व्हाट, 7। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 14, हु ब्रिंग्स 14,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल, 14,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल एंड कूपर शेयर इन फ्यूचर एंड लॉसेस विल बी 1/4। अब यहाँ पे अगर सी का शेयर आपको बोल के रखा है 1/4, तो सी को अगर अपन 1/4 पिज्जा देंगे तो ए और बी के पास कितना बच जाए? सर ए का जो नया रेशियो होगा वो 2/7 ऑफ पूरा पिज्जा होगा कि 3/4 होगा, और जो बी का हिस्सा होगा वो 5/7 ऑफ कितना होगा, पूरा पिज्जा कि 3/4? 3/4। और सी तो आया ही कितने के लिए आपके पास, 1/4 के लिए। सी किसके लिए आएगा आपके पास, अगर अपन बात करें तो सी आपके पास आया है 1/4 के लिए। तो सर ए का जो नया रेशियो है वो कितना हो जाएगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, इट वुड बी 6/28। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 15/28, और सी आया है हमारे पास तो इंटू 7/7, दैट इज इक्वल टू 7/28। तो सर 6:15:7 वुड बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 6:15:7 वुड बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ऐसे में आपको बोल के रखा है कि वो गुडविल के लिए कितने लेके आए, शायद 14,000। तो इसकी पहली एंट्री तो क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम कितना, 14,000, और यही गुडविल किस में बटेगी, ए और बी में। तो गुडविल टू ए टू बी, सर कौन से रेशियो, हमेशा सेक्रीफाइजिंग रेशियो, गुडविल हमेशा कायम बढ़ती है, तो गुडविल आपकी हमेशा सेक्रीफाइजिंग रेशियो में बढ़ती है। बट व्हेन नथिंग इज गिवन, जब आपको कुछ ये गिवन नहीं कौन कितना लाया, तो व्हेन नथिंग इज गिवन, नथिंग इज गिवन, ओल्ड रेशियो वुड बी द सेक्रीफाइजिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो वुड बी द सेक्रीफाइजिंग रेशियो। सर पुराना रेशियो ही क्या हो जाएगा आपके पास, सेक्रीफाइजिंग रेशियो हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, तो ये कितना है आपके पास, 14,000, ये किसमें बटेगा, ए और बी में, 2/7 और 5/7 ऑफ व्हाट, 14,000। सर ठीक है, मतलब ये भी तो अच्छी बात है, मैंने बोला हाँ। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2,000, देखें तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 4,000, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 10,000। ठीक है, क्या सर ये तो इजी है, हम इसे क्वेश्चंस किया ही करते थे, मैंने बोला हाँ बिल्कुल करते थे। अगर अपन इसी के बाद सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिख रखा है, विमल एंड निर्मल, मतलब ए एंड बी मान लेते हैं, विमल और निर्मल के लिए आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2, मतलब ए का कितना है 3/5 और बी का कितना है बच्चों 2/5। विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ कैलाश। ऐसा बोला है कि विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, ये ध्यान रखना, ऑफ हिज शेयर, एंड निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ कैलाश। सर ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कैलाश एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म आपको बोल के रखी कितनी, अगर अपन क्वेश्चन की बातें लिख लें तो गुडविल ऑफ फर्म आपको गिवन है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, 75,000। गुडविल ऑफ फर्म कितनी आपके पास, 75,000। आपको चेक करना है कि कैलाश ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश विच इज टू बी रिटन इन द बिजनेस। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करा जाएगा कि विमल के पास कितना था, 3/5। विमल ने अपने शेयर का 1/5, अपने शेयर का 1/5 किसको दिया, कैलाश को, और निर्मल ने अपने शेयर का 2/5, उसका शेयर था ही कितना, 2/5, और उसने 2/5 का 2/5
फिफ्थ किसको दिया? कैलाश। सही कह रहे थे। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये पूरा ऐसा आ जाएगा कुछ 3/5 -3/25। सर अगर एलसीएम लिया जाए 5 और 25 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 × 5 और इनटू, अगर अपन बात करें एक, ये आ जाएगा आपके पास 15 -3, दैट इज इक्वल टू 12/कितना 25। तो अगर यहाँ पे कैलकुलेशन देखें तो 2/5 - 2/कितना 25, तो यहाँ पे इनटू कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे इनटू कितना हो जाएगा शायद 1। तो कहीं ना कहीं 10 - 2 अपॉन में कितना 25, 8 अपॉन में 25। सर अगर इसी एंगल को देखें तो आपके पास कैलाश को क्या मिला? ध्यान रखिएगा, कैलाश ने ए और बी से लिया, इससे कितना लिया है 3/25, और इससे कितना लिया है 2/25। तो यू शुड बी क्वाइट क्लियर ऑन दिस कि इसको ए से मिले हैं 3/25, बी से मिला है 2/25, मतलब इसको टोटल कितना मिल चुका है 5/4। हाँ सॉरी, 4/25। यहां से अगर अपन एक बार चेक करें तो अगर अपन इसको लें 2 × 2 कितना हो जाएगा आपके पास 4/25। तो अगर आप लेंगे यहाँ पे तो सर थोड़ा सा गेम को देखते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6/25। तो अगर अपन ओवरऑल देखें तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा आपके पास 7/25। सही है। अब सर ऐसे में अगर मुझसे कोई पूछे कि सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, तो वो तो हो जाएगा 12:6:7। 12:6:7 वुड बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर ठीक। अब आता है आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुझे पूछना ही चाहिए कि सर इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइजिंग रेशियो कितना। तो एक बात ध्यान रखना, सेक्रीफाइजिंग रेशियो इस बार ओल्ड रेशियो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इस पूरे क्वेश्चन में अगर कोई सेक्रीफाइजिंग रेशियो जानना चाहे कि सर सेक्रीफाइजिंग रेशियो था कितना, तो वो है दोस्तों 3:4। क्योंकि देखना, ए ने कितना दिया 3/25, बी ने कितना दिया 4/25, तो इस पूरे क्वेश्चन में जो सेक्रीफाइजिंग रेशियो होगा वो कितना होगा 3:4। तो सर क्वेश्चन आगे कैसे सॉल्व होगा? तो क्वेश्चन आगे कुछ इस प्रकार से सॉल्व होगा। अगर अपन बात करें सिस्टमेटिक बात करें तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 75,000। सी कितने के लिए है 7/25 के लिए। तो आपको ये देखना पड़ेगा सी मतलब के कैलाश शेयर ऑफ गुडविल कितना हो, कैलाश शेयर ऑफ गुडविल तो शायद हो जाएगा वो 7/25 ऑफ 75,000। 7/25 ऑफ व्हाट 75,000। शायद ये 1 जा, ये आपके पास हो जाएगा 3 जा। 7 × 3 वुड बी व्हाट 21,000। ये 21,000 कौन देंगे? तो ए और बी देंगे, ए और बी लेंगे, मतलब इन द रेशियो 3:4। ध्यान रखिएगा, हमेशा ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं होता है। जब कुछ नहीं गिवन होता है तो ओल्ड रेशियो क्या रहेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बट इस बार तो गिवन था, तो सर इसकी पहली जो एंट्री है वो होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम 21,000। और जो ये 21,000 आए, ये पूरे किस में बढ़ जाएंगे? ए और बी में। अगर अपन बात करें तो 21,000 3/7 और 4/7 के रेशियो में बटेंगे। तो सर अगर अपन बात करें चले तो यहाँ पे कितना आ गया 6,000। तो सर धीरे धीरे और अच्छे से देखें तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 4 × 3 × हाँ सर 9 और 12 अगर अपन लेके चले तो यहाँ पे आ जाएगा 9,000। एंड देन यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 12,000। ठीक है क्या सर? ठीक है, चीज तो अच्छी थी, मैंने बोला हाँ क्वेश्चन तो अच्छा ही था आपके पास, समझदार क्वेश्चन भी था। ठीक है, अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े तो आपको क्या बोल कर रखा है? बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो 3:2। ही इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड शेयर्स ऑफ बी रिमेन एज एन अबाउट, तो वैसे ही रहेगा मेरे ख्याल से। तो अब अगर अपन मैं क्वेश्चन नंबर 20
वन का पार्ट बी लूंगा। ए वाला पार्ट कॉमन ही है, आपको बोल कर रखा है बी और सी पार्टनर्स थे इन द रेशो 3/5 एंड 2/5। आपको डी इज एडमिटेड फॉर अ प्रीमियम ऑफ 2100 फॉर 1/4 शेयर। तो जो डी आया है वो आया कितने के लिए? 1/4 शेयर के लिए। और ऐसा बोला गया है उसने अपना 1/6 फ्रॉम बी, कहां से लिया है? फ्रॉम बी, और शायद आगे की बने 1/12 फ्रॉम सी, 1/12 फ्रॉम सी। ठीक है, तो सर ये जो फ्रॉम वर्ड होता है ना, फ्रॉम का मतलब ही क्या होता है? माइनस। फ्रॉम का मतलब ही क्या होता है? तो सर बी का रेशो कितना था? 3/5 में से कितना माइनस कर दो? 1/6। सी का रेशो कितना था? 2/5 में से कितना माइनस कर दो? 1/12। और डी तो आया ही कितने के लिए? एक प्रकार से 1/4 के लिए। बाकी अगर ऐसा लिखना होता तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1/6 प्लस 1/12, क्योंकि उसने इससे कितना लिया? 1/6। इससे कितना लिया? 1/12। तो सर 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 30 इंटू 6 और इंटू 5, तो 18 माइनस 5 इज आई थिंक 13/30। सर 12 और 5 का एलसीएम कितना होगा? शायद 60। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, इंटू 12 इंटू 5, तो 24 माइनस 5 19/60। और 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा? सर 12 ही होता है वैसे तो, किसी बच्चे को समझना हो तो इंटू 2 इंटू 1। इससे एक बात और समझ में आ रही है इनडायरेक्टली, कुल मिला के सी के पास कितना आया? 3/12। 3/12 का मतलब ही क्या होता है? 1/4। लेकिन उसने इसका 2/12 किससे लिया है? ए से। और 1/12 किससे लिया है? बी सी से। 1/12 किससे लिया है? सर यहाँ से 2/12 लिया गया है, और यहाँ से कितना लिया गया है? 1/12। मतलब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ जाएगा? सर इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 2:1। इसका रेशियो कितना आ रहा है? 3/12। भाई 1/6 लिया ना, 1/6 का मतलब ही क्या होता है? 2/12। तो इसने बी से कितना लिया? 2/12। और इसने सी से कितना लिया? 1/12। सही क्या? बी से कितना लिया? 2/12। और सी से कितना लिया? तो सर अगर हम बात करें और सबका एलसीएम एलसीएम सेम करें, तो सबके एलसीएम में से 8 चाहिए, तो इसको इनटू कर दो 2/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 26/60। इसको भी कर दो कितना? 2/2। इसको कर दो सर, हाँ यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं अगर अपन बात करें तो। ठीक है सर, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा शायद 19/60, और इंटू 5/5 कर दो, दैट इज 15/60। तो जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा 26:19:15 वुड बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 26:19:15 वुड बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सही कह रहा था। अब अगर अपन बात करें अच्छे से, तो ये गुडविल के लिए कितने लेके आया सर? 2100। अगर आप चेक करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट तो गुडविल प्रीमियम गिवन है कितना? 2100। और यही गुडविल किसमें बटेगी? ए में और बी में। सर कौन से रेशो? सेक्रीफाइसिंग रेशो। आप और मैं जान चुके हैं कि इस क्वेश्चन का सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना था? 2:1। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना था? 2:1। सो इट वुड बी 2/3 एंड 1/3 ऑफ व्हाट? 2100। तो सर अगर ऐसे में देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 1407। चेक कर लो अच्छे से,